वेद जी, आपने वही सारे केस में इन्वेस्टिगेशन किया है, नार्को से पहले अगर जहां तक तो मुझे याद है, देखिए श्रद्धा केस में जो आफ्ताब है उससे कई सारे सवाल किए गए हैं, उसने अपना अपराध कबूला है, नार्को टेस्ट में पुलिस को ऐसा क्या हासिल होगा जो इस केस में महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है या जिसका साइंटिफिक या कानूनी ऐसा मामला हो कि जो अदालत में साबित हो सके? देखिए, नार्को एनालिसिस टेस्ट जो है कंक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टिगेशन को कॉरोबरेट करने के लिए या कंट्रडिक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूरिंग क्वेश्चनायर जो उससे सवाल पूछे जाएंगे उसके दौरान जो बताएगा, रिवील करेगा, उनके बिना पर कोई फैक्ट्स की रिकवरी होती है, जैसे चक्कू की रिकवरी होनी है, उसके हेड को आपने कहाँ थ्रो कहा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कहाँ भेजा, आपने उसके मरने के बाद में क्या आपका रिएक्शन था, बॉम्बे कब गए, आपने इससे पहले उसकी जो प्रीवियस उसकी जो हिस्ट्री थी, आप श्रद्धा को कैसे जानते, कुछ ऐसे सॉफ्ट क्वेश्चंस इनिशियली पूछे जाते हैं जिससे कि ये पता लगे कि ये अचेतन अवस्था में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो पुलिस के सामने आफ्ताब ने बयान दिए उनमें से मैनिपुलेट करने के लिए, गुमराह करने के लिए दिए हों, और नार्को टेस्ट में अगर उसने तब झूठ बोला, वही सवाल नार्को टेस्ट में वो सही तरीके से बता सके? हाँ बिल्कुल, इसी की कंफर्मेशन करने के लिए, क्योंकि अदालतों में ये सवाल पूछे जाएंगे कि आपने टेस्ट के दौरान में किस प्रक्रिया से आप गुजरे, क्या आपने क्वेश्चंस किए, उसकी क्या रिकवरी हुई, फैक्ट्स की क्या रिकवरी हुई। अब जो क्वेश्चंस है, सपोज करो आफ्ताब से पूछा जाए कि आपके फादर का नाम क्या आलम था, तो वो यदि बताएगा नहीं है, सही है, तो डिसाइड होगा कि अचेतन अवस्था में पहुंच गया है नहीं पहुंच गया। तब आप उससे एक क्वेश्चनायर जो एक सॉफ्ट क्वेश्चन होंगे, उसके बाद हार्ड हिटिंग क्वेश्चन होंगे, फिर उनको कन्फ्रंट कराया जाएगा। अच्छा, इस कि केस आपने में ही इसको मारा, श्रद्धा को मारा, वो उसका क्या रिएक्शन आएगा, वो तमाम चीजें आप देख रहे हैं, पल्स रीड की जा रही है, हार्ट की बीट्स रीड की जाएंगी, और उसके जो तमाम डिजिटल रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, आज डिजिटल का टाइम है, साइंस बहुत आगे जा चुकी है, मेडिकल साइंस बहुत आगे है, तमाम तरह की रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बाद जो फर्दर लीड्स वो देगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, वो तमाम फिर फैक्ट्स वेरीफाई करेगी। पुलिस के लिए एक रास्ता मिलता है, नार्को, आपको याद होगा तेलगी घोटाला एक बहुत बड़ा केस था, उसमें नार्को, ये आम केस में नहीं किया जाता। बारीकी उन्होंने बात की, ये जो हम शरीर पर इस तरह के टेस्ट में देखते हैं कि ये पल्सेस लगाए गए हैं, मीटर लगाए गए हैं, ये क्या रिकॉर्ड करते हैं, और क्या, क्योंकि देखिए कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो पॉलीग्राफ टेस्ट को भी चीट कर जाते हैं, क्या श्रद्धा केस में ऐसी संभावना है कि आफ्ताब इस टेस्ट को भी चीट कर सकता है, जिस तरह अगर उतनी इस तरह बातें बता बनाई हैं, पुलिस को भी मेहनत हो रही है सबूत जुटाने में, क्या संभव है कोई ऐसी मेडिकल अवस्था में नार्को टेस्ट भी चीट कर सकता है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने रखा है, और ये पाया गया है कि कुछ इंडिविजुअल्स में ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो नशे की अवस्था में, अचेतन अवस्था में भी झूठ बोलने की एक क्षमता रखते हैं, अगर उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो उसको भी वो ब्लफ कर सकते हैं भले ही वो नार्को टेस्ट के दौरान हो। तो इसीलिए इसकी एक कॉरोबरेटिव वैल्यू है इस टेस्ट की, और इसको एक कोर्ट जो है वो भी ये नहीं मानता कि ये जो पल्सेस हम बॉडी पे लगाते हैं दरअसल वो क्या काम करते हैं, उनकी रीडिंग क्या होती है, और कैसे हम समझते हैं, अगर आम भाषा में समझना चाहें कि वो करते क्या है? देखिए, ये पाया गया है मेडिकल साइंस में कि जब भी कोई इंसान जो है झूठ बोलने की कोशिश करता है तो उसके जो वाइटल्स होते हैं, जैसे उसका पल्स रेट है जो कि ये मॉनिटर पे सबसे ऊपर दिख रहा है, 86 करके जो आ रहा है, तो वो बढ़ जाता है। ऐसे ही साथ में ब्लड प्रेशर जो है पेशेंट के, वो राइज करने लगते हैं जब कोई पेशेंट झूठ बोलने की कोशिश करता है। उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है, जो छाती का जो ये थ्रस्ट आ रहा है जब वो सांस लेता है मरीज, ये बढ़ जाता है। पसीने आने लगते हैं कुछ इंडिविजुअल्स को जब वो झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल आपने सही बात रखी। आदर्श मिश्रा हमारे साथ इस समय फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी आ गए हैं। देखिए, अब ये एक पूरा बड़ा पैनल है, हम आम भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस नार्को टेस्ट से हासिल क्या होगा और कितना महत्वपूर्ण है। आदर्श, एक सवाल आपसे ये कि फॉरेंसिक के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है नार्कोटिक्स टेस्ट को कंडक्ट करना, किन किन चुनौतियों से वो गुजरते हैं, और कानूनी भाषा में इसका इस्तेमाल जो है वो कहां तक किया जा सकता है? देखिए, कई बार जो जिसका नार्को टेस्ट किया जाता है वो प्रिटेंड करते हैं कि हम सबकॉन्शियस स्टेज में हैं, लेकिन जबकि वो होते नहीं हैं। तो ये लोग क्या होता है, पहले से गूगल पे सर्च करके रखते हैं कि कितनी देर में होगा, या कई बार क्या होता है कि उस पर्सन की अपनी कैपेसिटी है किसी भी ड्रग को मतलब ब्लफ किया जा सकता है, नार्को टेस्ट किया जा सकता है।
लेकिन देखो जो पहली बार जिसके साथ हो रहा है तो इतना चांसेस नहीं है कि वो कर पाएगा, बट देखो पॉसिबिलिटी उस चीज की बिल्कुल है। और अगर ऐसे केस होते हैं डॉक्टर पुनीत, तब मनोचिकित्सक का काम आता है कि अगर कोई पेशेंट ब्लफ कर रहा है नार्को टेस्ट, ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि उस अवस्था में भी सही सवाल पूछ के सही जवाब निकलवाया जा सके? वही जो क्वेश्चन एक दफा हमने जो पूछा है उसी को घुमा फेरा करके 3-4 दफा पूछना पड़ता है, तो उससे उसका सही आंसर निकलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। सेकेंडली जो हम जो ये मॉनिटर पर देख रहे हैं या इनका जो ईईजी कर रहे हैं या ईसीजी कर रहे हैं, उन सब चीजों को मद्दे रखते हुए हम उस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि ये सही बोल रहा है या अभी भी हमारे को गलत बोलने की कोशिश कर रहा है। तो आदर्श मुझे बताए कितने लोग होते हैं नार्को टेस्ट जब होता है जो सवाल पूछते हैं, सवाल में जो पेस होता है वो कितना होता है, टोन कितने होते हैं, शब्द कितने होते हैं? देखो जनरली तो ज्यादा घुमा फिरा कर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, क्योंकि अगर घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछेंगे तो हो सकता है जिसका कर रहे हैं उसको समझ ही ना आए, क्योंकि वो एक अलग कंडीशन में भी लेटा हुआ है। तो जनरली यस और नो या उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्या आपने हथियार कहाँ रखा है, या जिससे छोटे छोटे आंसर्स मिल सके। तो क्या उसमें जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, वो भी शामिल होते हैं? बिल्कुल होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, पुलिस ऑफिसर होते हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स होते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही पैनल हमारे पास है।